एवरीवन, वेलकम टू सुशीज लाइफ। सुशीज लाइफ में आपका स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं तुलसी का पौधा लगाने। पौधा लेके आएंगे, मेरे पास है नहीं, और तब से बारिश नहीं हो रहा था तब से वो तुलसी का पौधा था नहीं। अभी एक निकला है तो वहाँ से हम लोग लेके आएंगे और अपने यहाँ पे लगाएंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे लगाएंगे। तो फिर ये इधर दिख रहा है सेंटर में, तो हम इस सेंटर में तुलसी का वो पौधा लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, गेट बंद कीजिए। एंड को गुड्स लगा हुआ है और चलिए चलते हैं। तो देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, बहुत सारा बड़ा बड़ा निकला हुआ है। यहाँ पर का मिट्टी बहुत सख्त है तो निकल ही नहीं पा रहा है। अच्छा मिट्टी है लगता है। और ये बहुत पुराना तुलसी का पेड़ है, नहीं है छोटा सा। वो एक जो छोटा छोटा वाला निकलता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर ये ना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है और कटिंग करने से हो जाएगा, पर वैसे अच्छा। ये भी अच्छा है, ये भी लगा सकते हैं। पूरा अंदर से करना पड़ेगा, पर देखो एक और ज्वाइन कर लिया है छोटा सा। काफी कुत्ता काफी तंग करता है सभी को। मुझसे कुछ खास करके ज्यादा दोनों में दोस्ती है लग रहा है। देखिए आपके इनके पैर के पास जा रहा है, पैर सूंघने लगता है। ओके हो गया हो गया। कितना कंप्लीट हुआ? हो गया बस। देखिए ये उखड़ गया है, इतना बड़ा पौधा है। अब हम लेके चलते हैं घर पे और इसको लगाएंगे। पर इसमें चेरा है। हाय राम, चेरा। अच्छी बात है ना। देखिए पुड़ा लीजिए, अच्छा है ना। और हम अच्छे से लगा भी सकते हैं, बहुत बड़ा भी। तो हम तुलसी का पौधा लेकर वापस आ गए हैं और इसको यहाँ पे लगाएंगे। तुलसी का पौधा रहना चाहिए हमारे आंगन में, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि सभी लोग जानते हैं। चलिए अब जाते हैं आंगन से ईटा लेके आते हैं और ईटा को चारों तरफ से लगा के और फिर उसमें बीच में तुलसी का पेड़ लगाएंगे। थोड़ा सा तुलसी चौड़ा टाइप का ऊंचा हो जाएगा तो अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास ईटा है, इसको उठा के हम ले जाएंगे। तो चलिए तीन चार ईटा वहाँ पे रखते हैं और फिर उसमें पौधा लगाते हैं। देख सकते हैं आप, ये पौधा इधर लग गया है। ऐसे ईंट बनाए हैं और इसको मिट्टी से पूरा अच्छे से इसको पूरा ऊपर तक फिल कर दें। ये देखिए हम इसको तुलसी जी का पिंडा बना दिए और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ से लेके आए? पर वो तो हम दिखाएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं। आप देखे ही होंगे पीछे कि हम लेके कहाँ से। कौन सा तुलसी है? श्याम, श्याम तुलसी बोलते हैं इसको। इसका इसका तना जो होता है ना, वो हमको लगा कहीं सांप ना तो काट ही लेगा। इसका तना ना ब्राउन कलर का नहीं, श्याम कलर ही बोल सकते हैं ना, हल्का पर्पल कलर का होता है, बैगनी टाइप। हाँ तो देख रहे हैं जैसा कि हम नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं तुलसी जी का पूजा करने और हम तुलसी जी को जल देंगे और पूजा करेंगे। कल जो हम लगाए थे वही तुलसी जी का, तो हम दिखाते हैं कि आज कैसा है। पहले इधर पूजा करेंगे, पहले इधर हम पूजा कर लेंगे, फिर बाद में हम बाहर जो कल तुलसी जी का पौधा लगाए थे वहाँ पूजा करेंगे। तो आप देखिए ये रहे हमारे तुलसी जी और मैं पूजा करती हूँ। हल्की हल्की सी धूप निकली है, मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए फिर पूजा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का पूजा हो गया है, अब हम बाहर चलते हैं, कल जो तुलसी जी लगाए थे उसका पूजा करते हैं। तो आइए, मतलब आइए।
तो हमारा पूजा हो गया समाप्त और हमारा ब्लॉग भी यहीं समाप्त होता है। तो अब फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।